एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। यार मैं क्या बोलूँ इस क्वेश्चन को करवाने से पहले, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा। इससे आसान सवाल के बारे में मतलब मैं क्या कहूँगी, ठीक है, बट स्टिल इसे हम लोग कर रहे हैं ताकि इस पर टाइप के सवाल अगर लेट से आपको देखने को मिले तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है, ये आपको एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। देखो सवाल की अगर मैं गिवन इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो गिवन इन्फॉर्मेशन में मुझे एन ऑफ ए ये दिया हुआ है, अच्छा कितना 15, एन ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना आपका 29, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है बोलो कितना आपका 7। अब मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टू फाइंड देखो क्या करना है, टू फाइंड आपको करना है एन ऑफ बी कि आखिर एन ऑफ बी कितना होने वाला है। डन, ठीक है, कर लेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा, मैं कहूँगी एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए, जिस रिलेशनशिप के वाया आप इस क्वेश्चन को विथ इन अ मिनट आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। डन, विथ इन अ मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्या है भाई ये सवाल, देखो एक्चुअली इसमें दो सेट्स के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, इसमें आप लोगों के दो सेट्स के बारे में बोला जा रहा है, एक है सेट ए और दूसरा है यहाँ पे सेट बी, और तीसरी चीज आपको जहाँ जो इस सेट के बारे में यहाँ पे बताई जा रही है वो बेसिकली ये है कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब उन दोनों के दोनों सेट के इंटरसेक्शन की वैल्यू, और जो चीज एक और आपको गिवन में दी हुई है वो है कि इन दोनों के दोनों सेट के यूनियन की वैल्यू, ए यूनियन बी की वैल्यू, ठीक है, ये आपको दी हुई है, मतलब टोटल चार चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। तो एक रिलेशनशिप होता है, राइट, इंटरसेक्शन यूनियन, ठीक है, बराबर, और आपके दो सेट्स के बीच में अगर आपको वो इन मतलब रिलेशनशिप पता है तो बस आपको उस रिलेशनशिप में वैल्यू डालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या है वो रिलेशनशिप कि देखो एन टाइम्स ऑफ मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी, ब्रैकेट नहीं बोलते कभी, उस ब्रैकेट की जगह ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस आपका एन ऑफ बी, ठीक है, और माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डन, ये होता है आपका रिलेशनशिप। अब देखो आपको एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया है क्वेश्चन में, आपको दिया है 29, एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है 15, एन ऑफ बी आपको कैलकुलेट करना है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि आ जाएगा 7। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ तो 29 इक्वल्स टू 15 माइनस 7, ये वाली चीज़ आपकी कितनी हो जाएगी, माइनस करने पर कितना आ जाएगा आपके पास 8, तो 8 प्लस एन ऑफ बी, इस 8 को अगर आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे दैट विल बी 29 माइनस 8 इक्वल टू एन ऑफ बी, है ना। सो देयरफोर यहाँ से एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 21, ये आ गई एन ऑफ बी की वैल्यू, ठीक है, बस हो गया सवाल खत्म। यही आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो कैसा है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में चार चीज़ें हैं, एक सेट ए के बारे में है, एक सेट बी के बारे में है, एक ए इंटरसेक्शन बी के बारे में है, एक ए यूनियन बी के बारे में है। तो इन चारों चीज़ों में से आपको कुछ क्या करना है, कोई भी तीन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देना है और जो भी आपको गिवन होगा, और चौथी चीज़ आपको निकालनी है, बस इतना सा है। तो काफ़ी सिंपल सा रिलेशनशिप है, बल्कि पेपर में 1 मार्क्स के लिए पूछा भी जा सकता है कि राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन सेट ए सेट बी एंड सेट इंटरसेक्शन बी सेट इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन ई, मतलब फॉर्मूला लिखने को भी आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। तो देखो इसके बेसिस पे अब तुम्हें होमवर्क क्या दे रही हूँ, 1.4 का तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ही करा दिया, अब आप इसके बेसिस पर क्या कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद एज अ होमवर्क ले सकते हो, और इसकी आपको कॉपी चेकिंग करानी है, ठीक है।
ठीक है बस। अच्छा एक और हो सकता है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी होमवर्क हो सकता है ना। तो बस फिलहाल अभी इस चीज़ को हम लोग यहाँ रोकते हैं, और इसकी वीडियो के बाद ये दो सवाल आपको चेक कराने हैं।